अररिया जिले के बैरगाछी चौक मदनपुर रोड में बेहद दर्दनाक सड़क हादसा का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दूं कि जोकी प्रखंड के तरकारली पंचायत वार्ड संख्या 12 के निवासी जावेद आलम की पुत्री, जिनकी आयु 10 वर्ष के करीब है, अपने चाचा के साथ बाइक से अपने घर जा रही थी। वहीं सामने से तेज रफ्तार से आ रही हैवा ट्रक वाहन की रफ्तार अधिक होने के बाइक को कुचलते हुए आगे निकल गया। कारण बैरगाछी चौक से सिकटी जाने वाली सड़क की हालात और लापरवाही से हुए, क्योंकि मदनपुर रोड RCC सड़क बना है और उनके दोनों तरफ इतनी गहराई है कि कोई भी गाड़ी अगर सड़क से नीचे उतरना चाहे तो नामुमकिन है। कई वर्षों से ये सड़क का कार्य चल रहा है, परंतु इतनी लापरवाही बरती जा रही है कि अभी तक कार्य को पूरा नहीं किया गया। अगर सड़क किनारे मिट्टी डाला होता तो बाइक वाले अपने आप को बचा सकते थे, क्योंकि सड़क की चौड़ाई इतनी नहीं है कि अगर बड़ी गाड़ी आए तो दूसरी गाड़ी वालों को निकलना मुश्किल हो जाता है। आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। बीटी न्यूज बिहार के लिए अररिया से मुजम्मिल यजदा की रिपोर्ट। रोड में चौड़ाई है, दोनों गाड़ी का देखो कि कोई मोटरसाइकिल आ गया तो क्या कर, हमें गिरेगा सारा, यही सब जान मरवाता है लोगों को। चौड़ाई करो तो दो गाड़ी का दो साइड में मोटरसाइकिल साइकिल का, वो जब बना है तो सड़क मट्टी देकर फिलिंग कर दो कि कम से कम आदमी 60 से भी पास कर जाएगा। सब गाड़ी वाले को पीटो है एक तरफ से, जब माल नहीं आता कैली का है। सब गाड़ी वाले को पीटो है एक तरफ से, ट्रक है ना हवा, वो सब में सारा था। ये ट्रक बिल्कुल एकदम बया गया, उधर से सामने से एक मोटरसाइकिल आ रहा था, बच्चे भी साथ में था, वो बच्चा गिरा और मोटरसाइकिल लेकर अपना जान बचाने के लिए मोटरसाइकिल लेकर चले गया नीचे, बच्चा के ऊपर भी ये ट्रक चल गया। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर तो भाग गया तभी, बच्ची लगभग वही 8 से 10 साल की, 9 साल का था। लड़की घर कहाँ है? घर तो बता रहा है, तू के लिए है।